फोन तेरी मेरा नंबर मांगा सैली फैन बना रखी मखा आंडू पांडू ना लाइए। मैं अपने बालों की बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरे सर में ड्राइनेस रहने लग रही है। पंप देख रहे हो तुम, बाइसेप्स में भी पंप आ रहा है। पहले सेट में मेरी बॉडी इतनी फटीग हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। मैं फिर जैक स्पैरो बनकर डावा डॉलर देख समुद्रा में कलम गुरु मेरी ठेठ सी। गाइस, सो स्वागत है आप लोगों का हमारे गेमिंग सीरीज के एक और नए एपिसोड में, जो कि है हमारा आई थिंक एपिसोड नंबर 37। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कंटिन्यूस व्लॉग करते हुए 37 डेज के आसपास हो चुके हैं। और थोड़ा सा मैं प्राउड सा फील कर रहा हूँ कि इतना हार्ड वर्क करने कर सकता हूँ मैं, क्योंकि हमें कभी कभी लगता है ना कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा ये वो, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इतना हार्ड वर्क कर सकता हूँ। और वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस चीज का थोड़ा सा मैं ना क्रेडिट ना सौरभ जोशी व्लॉग्स को देना चाहूंगा। भाई वो बंदा ना कितने साल हो चुके होंगे, वो पिछले 4-5 साल से रेगुलर ब्लॉगिंग कर रहा है। मैं सोचता हूँ, मैंने कहा भाई आदमी बीमार भी हो जाता है, आदमी को कुछ ब्रेन फॉग हो जाता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है यार, एक साल में एक आधे दिन की तो छुट्टी हो जाए, लेकिन वो छुट्टी नहीं करता। तो मैंने भी सोचा था, मैंने कहा भाई जब सौरभ जोशी कर सकता है तो अपन क्यों नहीं कर सकते, अपन भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने कहा हम भी इतनी मेहनत करेंगे। खैर अभी प्री वर्कआउट ले रहा था, यार इस प्री वर्कआउट में पता नहीं कैसा धुआं होता है, थोड़ी सी खांसी से ला देता है। और गाइज अब से मैंने डिसाइड किया है कि ना यार मैं ना अपने व्लॉग्स में ना कुछ लाइफ लेसन्स ऐड करता हूँ। जैसे मॉर्निंग में अपने व्लॉग्स की शुरुआत करते हैं, अपने किचन से कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्री वर्कआउट वगैरह लेते हैं या जो भी कुछ अपनी जिम वगैरह की डाइट वगैरह का इंतजाम कर रहा होता है, यहाँ से व्लॉग्स शुरू कर रहे होते हैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि अब से कुछ ना कुछ अपनी लाइफ के अंदर जो भी चीज से मैंने बेनिफिट देखा हो ना, कुछ सही काम किया हो कि यार इस चीज का बेनिफिट हुआ है, या कुछ गलत काम किया हो उसका नुकसान हुआ है। मतलब गलत तो हम करना नहीं चाहते, करते भी नहीं है, बट कुछ ऐसा गलती से कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आई हैव डिसाइडेड कि आप लोगों को अपनी लाइफ से जो भी, पहले प्री वर्कआउट पीता हूं, अपनी लाइफ से जो भी मेरी लाइफ के ऊपर जिस भी चीज ने इम्पैक्ट डाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव, आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिससे जो भी मेरा भाई देख रहा हो उसकी हेल्प हो सके। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अभी मेरा ब्रेन में कुछ भी, सुबह भी उठाओ मुझे कुछ भी ज्ञान याद नहीं है, कल को रात को अपने नोट्स में लिख दूंगा जिससे मैं सुबह को याद रहे मुझे, ठीक है ना। अभी प्री वर्कआउट लेता हूँ और कुछ पैकेट्स पड़े हैं मेरे पास, ये ना भाई इतने दिन हो चुके होंगे, इनकी अनबॉक्सिंग करनी है, बस क्या ही बताऊ, मुझे ध्यान ही नहीं रहता वहां ऊपर रखे हुए। इतना तो पता है कि इसके अंदर सप्लीमेंट्स है, कौन कौन से सप्लीमेंट्स है। अभी एक काम करते हैं, जिम चलते हैं, जिम से वापस आके इनको ओपनिंग करते हैं, ठीक है ना। चलो जिम में मिलते हैं। I'm never doing that shit again. They get ahead of themselves if you let them. They get to reach and that shit is pathetic. They couldn't walk in my shoes if I let them. These size 11s, they fit a little different. If we have beef, I'ma go ahead and dead it. Sweetest revenge is success and forgiveness. Married the game, can't trust none of these bitches. I keep it to Virgil's in all of my lyrics. Came in this bitch with exceptional spirit. Bulletproof vision, could not let them kill it. Real ones acknowledge my shit cause they feel it. The rest of you want me forgotten and hidden. Whoever I fuck's automatically trending. She wanna F everywhere like it's Fendi. The pussy gets killed every time like it's Kenny. If I'ma shoot, I shoot to kill. Do what I want to do at will. King, I'm a goat, the truth for real. Ay. Banana boat brings in the mail. I cannot use a regular scale. Bring me
gun they use for whales. If you seen half what I saw, you would tell. Before it was popular, I had them boxes from Sack in the Mail. I beat the streets, I ain't going to jail. Was killer, be killed, am I going to hell? I told the driver, ignore that little smell. Just make sure you ain't driving too fast while I trail. We got Rock Lotto, went straight from Vallejo. Right through the air in 4 hours, is here. I'd have been too close to death to be scared. I got... My gun when it come, I'm prepared. Money bring shot bitches right out they shell. I don't want love when I fuck, I might pair. Quarterback plays, call me G.K. McNair. I'm throwing something, could knock down a bear. I don't feel nothing, especially fear. All of them cross me, I ain't shed a tear. My heart is pure, I understand we ain't similar. She can't wait till I come, this part killing her. She a freak, she asked me, could I spit on her? She just praying that G.K. deliver her. It's so many, I barely remember her. My role is pivotal, they know I'm rich. Don't forget I'm a criminal. Yeah. If I'ma shoot, I shoot to kill. Do what I want to do at will. King, I'm a goat, the truth for real. Ay. Been in a boat, brings in the mail. I cannot use a regular scale. Bring me the one they use for whales. If I'ma shoot, I shoot to kill. Do what I want to do at will. King, I'm a goat, the truth for real. Ay. Been in a boat, brings in the mail. I cannot use a regular scale. Bring me the one they use for whales. Ay. सेल में छोरी शॉपिंग कर का टैग तू पा दे जारा का रोली हाथ में फैंडी पैर में टशन देखिए यारा का जब चल काफला कारा का तेरे होश जो से खो जांगे जिन्हें तू बेस्ट फ्रेंड बतावा एक गूर मैं रो देंगे फिर दो टकीला शॉट मार तने बत्ती चास बजा रखी फान तेरी मेरा नंबर मांगा सेली फैन बना रखी मखा आंडू पांडू ना लाइए ये ले जा वीड़ दुकाना ते देसी बालक गामा के हम देसी बालक गामा के एक गेड़ी मा सैड बठाला तेरे जैसी सुंदरा ने फिर जैक स्पैरो बनकर डावा डॉलर देख समुद्रा मैं कलम गुरुद मेरी ठेठ सी बोली हरियाणे ते दरसल मैं उठ का कोई जानदा नहीं जब बाजा ओका सर्कल मैं. सो गाइज, जिम से तो आ चुका था मैं, अब नहाने के लिए जा रहा था और आज मुझे करना था शैम्पू. बट शैम्पू करने से पहले सोचा मैंने अपने सर पे हेयर ऑयल की अच्छे से मसाज कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं अपने बालों की बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे सर में ड्राइनेस रहने लग रही है. तो अपन मस्टर्ड ऑयल से मसाज कर रहे हैं अपनी हेयर की, उसके बाद अच्छे से अपन नहाएंगे और उसके बाद आराम से पोस्ट वर्कआउट मील लेंगे. और हाँ, मैं एक चीज़ बता रहा था कि भाई, जब अभी आज हमने बहुत दिन बाद से, मतलब कि 6 से 7 दिन बाद सलमान भाई के साथ वापस ट्रेनिंग की है. पता है क्या हो रहा था? ये हो रहा था कि सलमान भाई कभी उठ नहीं पा रहे हैं, कभी हमें लेट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, मतलब कि सुबह का टाइम आगे पीछे हो रहा है, जिसकी वजह से ना कभी किसी की छुट्टी हो रही थी, कभी किसी की, मतलब कि छुट्टी तो सलमान भाई की ज्यादा हो रही थी. हमने तो रेगुलर हर दिन किया है. तो आज जो हमने सलमान भाई के साथ ट्रेनिंग किया है ना, पता है उसमें क्या डिफरेंस रहा है, और जो हम अकेले करते थे उसमें क्या डिफरेंस रहा है? एक तो पंप का, पंप देख रहे हो तुम, बाइसेप्स में भी पंप आ रहा है. नहीं, पंप का नहीं, बात यह है कि जब हम अकेले ट्रेनिंग करते हैं ना, तो हमें पता होता है, सपोज आज हमारे शोल्डर थे, तो अगर मैं अकेला ट्रेनिंग करता ना, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जो सबसे डिफिकल्ट सेट होता है ना वो करता हूँ. जो कि सबसे डिफिकल्ट सेट मेरे लिए होता है डंबल प्रेस करना, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा वेट चलाने की कोशिश करता हूँ मैं और बहुत डिफिकल्ट सा लगता है मुझे, तो मैं सबसे पहले वो ले लेता हूँ. लेकिन जब सलमान भाई के साथ ट्रेनिंग करता हूँ ना मैं, तो मुझे कुछ नहीं पता कि कौन सा सेट पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा आखिरी है, आज एक्सरसाइज के अंदर कौन कौन से सेट करने हैं, कितने रैप्स रखने हैं, कुछ नहीं पता होता. बस सलमान भाई आते हैं, सबसे पहले आते ही कोई भी रैंडम सेट से शुरू करा देते हैं, जो उनको लगता है कि कराना है. उससे क्या होता है ना, मेरे दिमाग को ना अजीब सा ही सिग्नल जाता है. मेरा दिमाग सबसे पहले तो नाराज सा हो जाता है, गुस्सा सा हो जाता है कि यार इस सेट का तो दिल नहीं कर रहा था करने का, इससे एक्सरसाइज शुरू करनी पड़ेगी. लेकिन जो हमारे कोच बोल देते हैं हमें वो करना पड़ता है. तो उसके बाद हमने आज फ्रंट रेजिस से शुरू किए, फ्रंट रेजिस, यहाँ पे हमारा अभी भी पोर्शन टाइट हो रहा है. तो उसके बाद पहले ही सेट में मेरी बॉडी इतनी फटीग हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है.
मेरा दिमाग बिल्कुल थक जाता है पहले ही सेट में, ये देख लो तुम। और अगर अकेला में करता हूं तो अकेला में पूरी एक्सरसाइज करने के बाद भी ना नॉर्मल रहता हूं, बट कोच हमें थका देते हैं। मेन इस चीज का बेनिफिट ये है कि हम पैसे भी पे कर रहे हैं, उसके बाद भी दिल ऐसा कर रहा है ना करें, लेकिन इस चीज का बेनिफिट मिलता है मसल्स को सिग्नलिंग पहुंचाने में ग्रो होने के लिए। मतलब कि एक मसल्स को रेंडम सिग्नल जाता है कि भाई अपने आप को स्ट्रांग कर ले, बहुत खतरनाक तरीके से सेट होने वाले हैं, ये कोई सा भी रेंडम सेट आ जाएगा तो दिमाग और मसल्स अपने आपस में कनेक्शन बनाती है और अपने आप को स्ट्रांग करके प्रिपेयर करती है कि कोई सा भी सेट आ जाए चला लेंगे, हिम्मत करेंगे। तो इसकी वजह से, ये सिग्नल की वजह से मसल्स की ग्रोथ ज्यादा होती है। तो जो भी मेरा भाई अपने कोच के अंदर ट्रेनिंग कर रहा है तो उसका तो इसी तरह चल रहा होगा कि कोई भी रेंडम सेट पर्सनल ट्रेनिंग के अंदर कुछ भी आ सकता है। बट अगर कोई मेरा भाई अपने दोस्त के साथ ट्रेनिंग कर रहा है ना, तो दोस्त के साथ ट्रेनिंग में ना एक चीज का ध्यान रखना, अपने दोस्त को बोल देना कि जैसे कि चेस्ट कर रहे हो तो चेस्ट के सेट अपने दोस्त को बोलना कि भाई आज मैं कराऊंगा, बैक कर रहे हो बैक के सेट बोल देना कि भाई आज तू कराएगा। तो एक दूसरे को रेंडम बोल देना, उससे क्या होगा मसल्स को सिग्नल जाएगा ग्रो होने का और आपकी मसल्स बहुत अच्छे से ग्रो होने लगेंगी। सो गाइस, मेरा सुबह का कुछ थोड़ा सा इसके अंदर वो बच रहा था ओट्स, और मैंने सोचा नहीं थोड़े से मुझे अपनी उसमें कार्ब सेट करने थे, तो ओट्स को और ब्रेड को इस तरह हम लगाएंगे जिस तरह बटर लगाते हैं ना, हम अपने इस पे प्रोटीन ओट्स को लगाएंगे और बंद करेंगे और उसके बाद खा जाएंगे। बहुत टेस्टी लगती है और जो हमें थोड़ी सी कैलोरीज ऐड करनी थी वेट गेन करने के लिए वो भी इजी हो जाता है। गाइस, अभी मैं इस वाले घर पे था, माँ मेरी दूसरे वाले घर पर थी, तो मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, तो मैं माँ के पास जाने की सोच रहा था। बट दुविधा ये हो रही है कि मैं माँ के पास जाऊँ या नहीं जाऊँ, मुझे कुछ वीडियोस एडिट करनी है क्योंकि मैं वहाँ पर जाकर भी कर सकता हूँ। मुझे माँ के साथ टाइम स्पेंड करने का दिल कर रहा है, क्या किया जाए क्या नहीं। एक्चुअल में क्या होता ना, मुझे बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार टाइम वेस्ट कर दिया, ये है वो है, मुझे टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता और माँ की भी याद आ रही है। वैसे तो मैंने वीडियो कॉल पर बात कर ली है, बट स्टिल मेरा मिलने का दिल कर रहा है। जाऊं क्या मैं? जाऊं क्या? चलो, असर का टाइम हो रहा है, असर की नमाज पढ़ता हूं, उसके बाद अगर मेरा दिल स्टिल किया तो मैं माँ के पास चला जाऊंगा। आपको नेक्स्ट क्लिप में पता लग जाएगा कि मैं यहीं पर हूं या माँ के पास जा चुका हूं। गाइस, हम गए नहीं थे, मुझे ये लगा कि यार मैं थोड़ा सा अपनी एनर्जी थोड़ी सी इधर उधर जाया करूंगा, इससे अच्छा मैं अपना काम पे फोकस करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए फिलहाल के टाइम पर फोकस ज्यादा इम्पोर्टेंट है फालतू अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने से। मतलब वो डिस्ट्रैक्ट एक वर्ड सही है, मतलब कि फैमिली भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती है, मौज मस्ती वगैरह ये सब। फिलहाल मुझे थोड़ा सा काम पे फोकस करना है, मैं अपनी लाइफ के अंदर कुछ चीज एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ मेंटली, उस चीज को एक्सप्लोर कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मस्ती है, तो इसलिए हम गए नहीं थे। और इसी के साथ मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारा ब्लॉग होता है यहीं पर समाप्त। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कोई क्वेश्चन है कॉमेंट कर देना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ध्यान रखना, पीस।